राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में अगले सप्ताह से हर दिन फिजिकल सुनवाई हो सकती है। वर्तमान में सप्ताह में 3 दिन फिजिकल कोर्ट में बहस की जा रही है। मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि के अदालत ने रोजाना सुनवाई करने का संकेत दिया है। अदालत ने मामले में ट्रायल फेस कर रहे लगभग 50 आपूर्तिकर्ताओं की ओर से जारी बहस जल्द ही पूरे करने का निर्देश दिया है। अब तक 22 आपूर्तिकर्ता समेत 23 आरोपियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अदालत के निर्देश पर अगली निर्धारित तारीख 30 सितंबर को 10 आपूर्तिकर्ताओं की ओर से दलीलें रखी जाएंगी। आपूर्तिकर्ताओं की बहस पूरी हो जाने के बाद मामले में आरोपी लोक सेवकों की ओर से बहस शुरू होगी। इसके बाद लालू प्रसाद समेत अन्य राजनीतिक आरोपियों की ओर से बहस शुरू होगी। बहस पूरी होते ही मामला फैसले पर चला जाएगा। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर मामले की सुनवाई हो रही है। सितंबर महीने तक सुनवाई पूरा कर लेने का निर्देश है, लेकिन बचाव पक्ष की बहस जारी रहने के कारण मामले में फैसला वार्षिक अवकाश बाद आने की संभावना है। बता दें कि चारा कांड संख्या RC 47A/96 मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आर के राणा, पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन विभाग के तत्कालीन सहायक निदेशक डॉक्टर के एम प्रसाद, पशुपालन डॉक्टर गौरीशंकर प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।